आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेबर टूथड और मैमथ की, जहां सेबर टूथड को आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर्स का वंशज माना जाता है। वहीं मैमथ भी हाथियों के वंशज हुआ करते थे, लेकिन दोनों ही आज के समय में पाए जाने वाले टाइगर्स और एलिफेंट की तुलना में काफी ज्यादा पावरफुल और डेंजरस हुआ करते थे। दोस्तों, ऐसे में आज हम दोनों की प्रॉपर्टीज को जानते हुए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इनमें कौन ज्यादा पावरफुल हुआ करता था और इनकी फाइट में विनर कौन होगा। सेबर टूथ टाइगर धरती पर आज से तकरीबन 10,000 साल पहले नॉर्थ अमेरिका में पाया जाता था। इसका पहला अवशेष साल 1842 में ब्राजील के एक जंगल में मिला था। आज के समय धरती पर पाए जाने वाले टाइगर्स इसी सेबर टूथ टाइगर के वंशज माने जाते हैं, लेकिन ये आज के टाइगर्स की तुलना में कई गुना ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हुआ करते थे। एक नॉर्मल सेबर टूथ का वेट लगभग 150 से 280 किलोग्राम तक हुआ करता था। हालांकि दावा ये भी किया जा चुका है कि सेबर टूथ टाइगर का वेट 480 किलोग्राम तक हो सकता है। इनकी हाइट 120 सेंटीमीटर यानी कि 1.2 मीटर हुआ करती थी। दोस्तों, इसका मेन अट्रैक्शन था इसके नुकीले और बेहद शक्तिशाली दांत। सेबर टूथ टाइगर के दांत आज के टाइगर की तुलना में काफी ज्यादा बड़े और नुकीले हुआ करते थे। सेबर टूथ के दांत लगभग 28 सेंटीमीटर लंबे हुआ करते थे और वो अपने शिकार को इसी दांत की मदद से पल भर में मौत की नींद सुला दिया करता था। इसके साथ ही सेबर टूथ टाइगर 40 से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी भाग सकता था। ऐसे में शिकार का इसके हाथ से बचकर भागना लगभग नामुमकिन था। सेबर टूथ शिकार के मामले में इतना खतरनाक था कि अपने साइज से दोगुने बड़े जानवरों जैसे एलिफेंट और कैमल्स को भी मारकर खा जाया करता था। दोस्तों, वहीं अगर बात करें मैमथ की, तो ये धरती पर आज से तकरीबन 4000 साल पहले पाए जाते थे। इनकी उत्पत्ति भी धरती पर आज से लगभग 50 लाख साल पहले हुई थी। ये ज्यादातर अफ्रीका, यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के जंगलों में रहा करते थे। मैमथ एलिफेंटिडे फैमिली का मेंबर हुआ करते थे और इस फैमिली के मेंबर आज के समय में दुनिया भर में पाए जाने वाले एलिफेंट हैं। लेकिन आज के हाथियों की तुलना में मैमथ काफी ज्यादा खतरनाक, पावरफुल और अटैकिंग नेचर के भी हुआ करते थे। हालांकि आज के हाथियों की तरह ये भी शाकाहारी ही हुआ करते थे। ये घास और पेड़ की पत्तियां खाकर अपना पेट भरते थे, लेकिन फिर भी ये जरूरत पड़ने पर किसी भी दूसरे जानवर को मौत की नींद सुलाने में जरा सा भी वक्त नहीं लगाते थे। अगर बात करें इसके स्ट्रेंथ की, मैमथ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था उसका भारी भरकम शरीर। मैमथ की हाइट लगभग 4 मीटर यानी कि 13.1 फीट के करीब हुआ करती थी और इसका वजन 8 टन से लेकर 12 टन के बीच हुआ करता था। अभी तक मैमथ का जो सबसे बड़ा अवशेष पाया गया है उसका वजन 12 टन से भी ज्यादा होने का अनुमान है। बड़े होते मैमथ की हाइट हर साल 2.5 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर तक बढ़ती है। मैमथ को उसके घुमावदार ट्रंक के लिए भी जाना जाता है। मैमथ के शरीर की स्किन इतनी मोटी हुआ करती थी कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर में भी आसानी से सर्वाइव कर सकता है। जहां इसकी मोटी स्किन उसे दूसरे जानवरों के अटैक से बचाने में मदद करती थी, वहीं इसका घुमावदार ट्रंक इसे अपनी सेफ्टी के लिए दूसरे जानवरों पर अटैक करने के लायक बनाता था। मैमथ ज्यादातर बर्फीले इलाकों में पाए जाते थे, इसी वजह से इनकी बॉडी पर काफी बड़े और घने बाल हुआ करते थे जो कि इन्हें जानलेवा बर्फीले हवाओं से बचा कर रखते थे। अगर बात करें मैमथ और सेबर टूथ टाइगर की फाइट की, तो इन दोनों की फाइट में काफी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वैसे वजन और लंबाई के मामले में मैमथ सेबर टूथ की तुलना में कई गुना बड़ा है। जहां टूथ की हाइट मात्र 1.2 मीटर हुआ करती थी, वहीं मैमथ 4 मीटर लंबे तक हुआ करते थे। इनका वजन भी 8 से 12 टन हुआ करता था, जबकि सेबर टूथ का वजन मात्र 280 किलोग्राम तक ही होता था। लेकिन हर लड़ाई सिर्फ वजन और लंबाई से नहीं जीती जाती। इस लड़ाई में सेबर टूथ का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ साबित होगा उसका अटैकिंग नेचर और इसमें साथ देने वाले भाले से भी नुकीले और लंबे दांत। मैमथ की स्किन इतनी मोटी हुआ करती थी कि नॉर्मल टाइगर के दांत शायद ही उसके स्किन को फाड़ते हुए उसे घायल कर सके, लेकिन सेबर टूथ टाइगर के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। उसके 28 सेंटीमीटर लंबे दांत अगर एक बार भी मैमथ की बॉडी में घुस गए तो फिर मैमथ को अपनी भारी भरकम शरीर संभालने में बड़ी मुश्किल होगी। लेकिन इस बीच अगर मैमथ ने अपने घुमावदार ट्रंक और कई टन का वजन लिए हुए पैरों से टूथड़ पर अटैक कर दिया तो फिर टूथड़ की जान एक झटके में बाहर आ जाएगी। सेबर टूथड़ के लिए 8 टन का मैमथ का वजन सहन करना नामुमकिन है, लेकिन टूथड़ बहुत ही फुर्तीले और चालाक जानवर हुआ करते थे। वो शिकार करके ही अपना पेट भरते थे और उसे ये बात अच्छे से पता है कि किस शिकार को
कैसे धराशायी करना है, जबकि इस लड़ाई में मैमथ शुरू से ही डिफेंसिव मोड में रहेगा। ऐसे में सेबर टूथ टाइगर अपनी फुर्ती और चालाकी से मैमथ को निश्चित रूप से अपना शिकार बना सकता है। बहुत कम ही ऐसे मौके होंगे जब फुर्तीला सेबर टूथ टाइगर मैमथ के पैरों या फिर उसके ट्रंक के निशाने पर आएगा, और मैमथ के पास ट्रंक और पैर के अलावा ऐसा कोई औजार नहीं है जिसकी मदद से वो सेबर टूथ टाइगर को धूल चढ़ा सके। तो हमारे अनुमान से इस लड़ाई में 95% चांसेस ये हैं कि जीत सेबर टूथ टाइगर की ही होगी। अब आपके हिसाब से इस फाइट में जीत किसकी होगी, ये हमें दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे दोस्तों। दोस्तों इस तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।